हेलो भाई, मेरा नाम है इंगदेशवाल। भाई आज हम बात करने वाले हैं XUV 300 के बारे में। और भाई ये जो आज का हमारा वेरिएंट होने वाला है ना, ये होने वाला है भाई आपका डब्लू वेट ऑप्शनल मॉडल, मतलब एकदम टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है आज का हमारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो आप ये कलर देख रहे हैं यार, मुझे बड़ा प्रीमियम कलर लगता है ये है। इस कलर का नाम है एक्वा मरीन कलर, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं इसकी की दिखाता हूँ। तो दोनों के दोनों आपको इसके अंदर रिमोट की दी गई है विद आपका फ्लिप की के साथ, ठीक है। और फ्लिप की तो वैसे इसके अंदर कुछ ऑप्शन है नहीं, ये दे रखा है महिंद्रा का। जो आप टॉप मॉडल लो चाहे बेस मॉडल लो, भाई सबके अंदर फ्लिप की ही देते हैं ये। वैसे तो इसका कीलेस एंट्री का ऑप्शन है पूरा का पूरा। कार के अंदर जो है थोड़ी बहुत एसेसरी लगी हुई है, लगभग 4,500 रुपये की एसेसरी जो है वो इसके अंदर लगाई गई हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट फ्लोर मैट वगैरह जैसी चीज़ें वो लगाई हैं। फुल गाड़ी का जब हम वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं, तो आई होप आप सबको अच्छी वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले गाड़ी के ना फ्रंट फेशिया से बात करेंगे। तो यहाँ पे ना आपको ग्रिल जो है वो इस टाइप से मिल जाएगी पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, और कुछ क्रोम एलिमेंट्स का इसमें वर्क किया हुआ है। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई लोगो मिल जाता है, न्यू महिंद्रा का लोगो 3D के अंदर, ठीक है। नीचे में आपको डुअल टोन बम्पर मिल जाएगा, जिसमें आपका बॉडी कलर के साथ साथ मिड का जहाँ पे आपका रेडिएटर है ये पूरा आपको क्रोम इंसर्ट के साथ साथ आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर भी दिया गया है। बात करेंगे इसके हेडलाइट यूनिट से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई आपकी बड़ी सी DRL, जो भाई बहुत ही तगड़ी लगती है देखने में। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है ना, ये DRL की वजह से ज़्यादा तगड़ी लगती है मुझे तो, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा जो कि हेलोजन के अंदर है। हाई बीम में भी आपको रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन दे रखे हैं विद आपका यहाँ पे साइटन इंडिकेटर्स, जो कि आपका हेलोजन के अंदर है। नीचे में फॉग लैम्प की बात करोगे तो हाउसिंग जो है पूरी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दे रखी है विद आपका रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब दे रखे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे कार के अंदर बम्पर पे दो, ठीक है, वो भी फॉग लैम्प के जस्ट नीचे मिल जाएंगे आपको दोनों ही तरफ। इस तरीके से देखने में आएंगे ये फ्रंट का हुड ओपन करिए सबसे पहले। खोलियो फोटो खोल, वैसे तो भाई आपको इसके अंदर पेट्रोल डीजल दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जिसका हम ये रिव्यू कर रहे हैं ये है इसका पेट्रोल वेरिएंट, ठीक है। लगभग आपको 1197 cc का इसके अंदर आपको इंजन जो है वो दिया गया है। 3 सिलेंडर इंजन मिलता है आपको इसके अंदर टर्बो चार्ज, और भाई 108 BHP की पावर देता है ये और 200 Nm का टॉर्क, और आप चाहो तो उसको डीजल के अंदर भी परचेस कर सकते हो। अगर आप इसकी एवरेज की बात करोगे तो भाई कंपनी क्लेम करती है इसका 16 KMPL का माइलेज, ठीक है। तो बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। लेंथ की अगर आप बात करोगे तो लगभग आपको 3995 mm की आपको लेंथ जो है वो दी गई है। विड्थ की बात करते हैं मतलब चौड़ाई की, तो लगभग आपको 1821 mm आपको उसके अंदर विड्थ मिल जाती है। हाइट की बात करोगे तो 1627 mm इसकी हाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये कुछ है XUV 300 की साइड प्रोफाइलिंग, ठीक है, और ये आपको साइड में ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। व्हील बेस भी आपको इसके अंदर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लगभग 2600 mm का आपको इसके अंदर व्हील बेस जो है वो दिया गया है। ब्रिजस्टोन के टायर जो है वो आपको इसके अंदर देखने को आ जाएंगे। टायर साइज की अगर आप बात करोगे तो 205/65 R16 inch के डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स जो है वो आपको दे रखे हैं। बीच में आपका न्यू महिंद्रा का लोगो दे रखा है, और भाई सबसे बढ़िया सिस्टम आपको बताऊं, इसका ब्रेकिंग सिस्टम बड़ी पावरफुल दी गई है। फ्रंट में भी डिस्क मिलते हैं और रियर में भी आपको डिस्क दे रखे हैं, ठीक है। साथ में अगर उसके आप ORMs की बात करो, डुअल टोन ORMs हैं जिसमें आपको ऊपर बॉडी कलर है, नीचे मैट ब्लैक फिनिश दे रखा है पूरा का पूरा। साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे आपको LED के अंदर, और इसके अंदर भी देखो भाई कितना डिटेलिंग वर्क कर रखा है क्रोम के अंदर अंदर आपको उसमें वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। फिर आपका बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी इसके अंदर आपको दे रखे हैं। साइड बिटिंग में आपको क्रोम वगैरह का तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, रबर के अंदर ग्रिप जो है वो मिलने वाली आपको साइड बिटिंग। बाकी इसके अंदर आपको डोर्स पे ही रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे दोनों तरफ, ड्राइवर साइड भी और को पैसेंजर साइड भी। साथ में आपके जो है रेन वाइजर लग रहे हैं, आपका एसेसरीज का पार्ट है और जेन्युइन महिंद्रा के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो महिंद्रा का इस तरह का लोगो जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। रूफ रेस मिल जाएंगे आपको, वो भी आपके ब्लैक कलर के अंदर ही, ठीक है। साथ में ये पिलर जो है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलता है, और यार ये देखने में बड़ा प्रीमियम लगता है मुझे। साथ में आ जाते हैं इसके रियर सेक्शन के अंदर, ये कुछ है इसका रियर सेक्शन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू बीच में महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को आ जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा इसके अंदर, डिफॉगर, रियर वाइपर, साथ में वॉशर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको दे रखा है हाई माउंटिंग स्टॉप लैंप LED के अंदर विद आपका शार्प एंटीना का तो ऐसे ऑप्शन नहीं है, पावर एंटीना मिलता है विद आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, ठीक है। बाकी जो एसेसरी लगी हुई यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्लॉसी ब्लैक रेन वाइजर जो मैंने आपको दिखा रहा था अभी 2195 rupees के, और ट्रांसपेरेंट फ्लोर मैट जो कि आपको 2500 rupees के, लगभग 4690 rupees का आपको इसमें बिल बना रखा है एसेसरीज का।
बात करोगे इसके टेल लाइट्स वगैरह की तो इस तरीके से आपको टेल लाइट मिलेंगे। ये भी पार्किंग लाइट जो है वो ऑन हो रखी है। ये कुछ इसकी स्टॉप लाइट है एलईडी के अंदर। यहाँ पे आपके साइड इंडिकेटर्स हैं विद आपका रिवर्स पार्किंग लाइट। 88 आपके वेरिएंट है तो उसके यहाँ पे बैजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सयूवी 300 की इस तरीके से ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर बम्पर आपको 3 टोन में दिया गया है जिसमें आपका बॉडी कलर है, बीच में आपका मैट ब्लैक फिनिश है, जहाँ पे आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर है, 2 सेंसर मिल जाते हैं उसके ऊपर। देन आपको नीचे सिल्वर फिनिश के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ में रियर बम्पर पे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स भी जो है वो दे रखे हैं। एक बार इसका बूट ओपन करते हैं तो मैग्नेटिक बटन दे रखा है बूट ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा बूट क्लोज करने के लिए। हाइड्रोलिक स्टड्स दे रखे हैं। वैसे इसमें पार्सल ट्रे का सच कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ऐसे इसके तौर पे इसको फिट एंड फिनिश अपना करवा सकते हो। बूट स्पेस की बात करोगे 257 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस जो है वो दिया गया है। 60-40 फोल्डेबल आपको सीट्स मिल जाती हैं रियर की। ये आपकी 60% फुल होती है, ये आपकी 40% फुल होती है, ठीक है। तीनों के तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं रियर के अंदर। साथ में बात करोगे स्पेयर व्हील की तो यहाँ पर आपको दिया गया आपका स्पेयर व्हील जो कि स्टील रिम के अंदर है। अब बूट को क्लोज करते हैं। वैसे तो भाई ग्लोबल एनकेप में इसको चाइल्ड सेफ्टी एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के अंदर 5 स्टार दे रखे हैं इस कार को, और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार ले गई है। कार सेफेस्ट कार है भाई, ये सेफेस्ट सब 4 मीटर SUV बोल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 180 mm इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ और डोर ओपन करते हैं। पूरा का पूरा इंटीरियर जो है वो आपको ब्लैक और क्रीमिश के अंदर आपको जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की, तो ये आपको पूरा डोर ट्रिम दे रखा है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा आपका सॉफ्ट टच में दे रखा है, ठीक है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। ये ग्रैब हैंडल है। ये पूरा कंसोल पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलने वाला है। जितने भी आपको कंट्रोल्स दे रखे हैं ये आपके सिल्वर के अंदर हैं। ये आपका ऑटो डाउन और ऑटो आपके साथ पावर विंडो मिल जाती है ड्राइवर साइड। बाकी नॉर्मल पावर विंडोज़ हैं। यहाँ से 4 पावर विंडो लॉक और अनलॉक होती हैं। देन ये आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। यहाँ से आप अपने ORM एडजस्टेबल और यहाँ से आपके फोल्ड और अनफोल्ड पूरा आपको सिस्टम यहीं में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखोगे आपके बोतल होल्डर, ये कप होल्डर, ये कुछ पॉकेट्स मिल जाएंगी, स्पीकर, स्पीकर ग्रिल, ट्विटर विद आपका ट्विटर ग्रिल। कार के अंदर टोटल में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का पूरा सेटअप दे रखा है। बात करोगे ड्राइवर साइड सीट से तो 6 एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाएगी जो कि मैनुअली है। फ्रंट के हेडरेस्ट दोनों एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। साथ में यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने का ऑप्शन दे रखा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करोगे तो 42 लीटर्स की इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो आपको कुछ कंट्रोल दे रखे हैं ये है फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन और ऑफ करने के लिए, आपके ऑफ हो गए हैं, देन ये आपके ऑन हो गए हैं। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑफ का बटन दे रखा है। देन यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा है। ये आपके हेडलैम्प कंट्रोलर हैं। एसी वेंट्स की बात करोगे तो एसी वेंट्स पूरे के पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। देन ऊपर में आपको गन मेटल फिनिश दे रखा है, ठीक है। साथ में इस तरीके से आपके एडजस्टेबल हो जाएंगे ये। फ्रंट का हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है। आपको डोर की एक बार डोर थ्रेड सुना देता हूँ। ये कुछ आपको डोर थ्रेड मिल जाएगी। यह कार का स्टेयरिंग पूरा का पूरा आपको लेदर रैप मिलने वाला है। स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट हैंड साइड आपका क्रूज कंट्रोल है। लेफ्ट हैंड साइड आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका वॉल्यूम अप डाउन है, ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। साथ में अगर आपको स्टेयरिंग एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का भी आपको ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपका टिल्ट है, बड़ा भारी है सारा ये तो। आपको सर टिल्ट का ही ऑप्शन मिलता है। देन यहाँ पे आपको दे रखा है आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब ये देखो इस तरीके से बंद हो जाता है, ये गुड बाय लिखा हुआ आता है। अब इसको हम ऑन करेंगे, ये देखो भाई ये आपका हो गया इग्निशन ऑन इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर से कंट्रोल दे रखे हैं। राइट हैंड साइड आपके टर्न इंडिकेटर विद लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं। क्लस्टर की अगर आप बात करोगे तो राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका टैकोमीटर दे रखा है। दोनों का दोनों आपका एनालॉग के अंदर है। साथ में इसके अंदर अभी ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आता है, तो अभी ये वही आपको दिखा रहा था। बीच में आपके MID दे रखी है जिसके अंदर आपका डिस्टेंस टू MPT वगैरह, आपके फ्यूल का इंडिकेशन हो गया, टेम्परेचर का मीटर हो गया, कुछ आपके अलर्ट्स हो गए जिसमें आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर है, फ्यूल का इंडिकेशन है, ट्रैक्शन का है, तो ऐसे कुछ आपको अलर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको अपने स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ आपको डिजिटली देखना हो तो आपको यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो ट्रिप वगैरह। ये देखो आपका डिजिटली स्पीडोमीटर आ गया, ये आपका टायर प्रेशर आ गया, टायर टेम्परेचर आ गया,
क्लस्टर सेटिंग आ गया इस तरीके से, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, यानी इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। और आप चाहो तो यहीं से अपना अपना ट्रिप वगैरह जीरो कर सकते हो, जैसे अभी 57 लिखा रहा है ना ये। अब ये क्या हो गया, ओहो। अगर आपको अपनी मीटर की लाइट्स वगैरह ऑफ करनी हो तो भाई इसकी अंदर इस तरीके से आप सेट को ऑन करके रखोगे, इस तरीके प्रेस करके, ये देखो भाई लाइट्स जो है आपकी ऑफ हो गई। अगर आपको एक बार प्रेस करोगे कुछ नहीं होगा, दोबारा से आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखो इस तरीके से आपका ये ऑन हो जाएगा। बाकी मिड के इवेंट्स आपको इस तरीके से देखने में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको हजार लाइट का ऑन करने का ऑप्शन दे रखा है। 7 इंच की फुल टच स्क्रीन आपको इसके अंदर डिस्प्ले जो है वो दी गई है, जिसके अंदर आपका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही आपका सपोर्ट करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मैं आपको एक बार चेकआउट कर देता हूँ। क्यों नहीं चल रहा है कैमरा है पीछे? हाँ कर, इसकी बैटरी की भाई बैटरी तो जाएगी। हाँ भाई, कार के अंदर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको दो दो यूएसबी पोर्ट दे रखे हैं, एक ऑक्स का पोर्ट दे रखा है, यानी यहाँ पे आपको एक 12 वाट का सॉकेट मिल जाएगा। कुछ स्पेसिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में भाई इसके अंदर यहाँ पे आपको दो कप होल्डर दे रखे हैं, एक हैंड ब्रेक है, आर्म रेस्ट है सॉफ्ट टच के साथ। बाकी आर्म रेस्ट के अंदर ये कुछ आपको स्पेसिंग जो है वो दे रखी है। बाकी ये आपको ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेसिंग जो है इस तरीके देखने में आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ स्पेसिंग दे रखी है आपकी, यहाँ मिल जाएगा आपको इस तरीके से। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका कार के अंदर टोटल में 6 गियर हैं, ठीक है। आप चाहे उसका पेट्रोल लो, चाहे आपके साथ डीजल वेरिएंट लो, आपको टोटल में 6 गियर मिलते हैं, रिवर्स के अंदर 7 गियर आते हैं, ठीक है। और इसका रिवर्स इस तरीके से लगता है आगे में। ये कुछ कैमरा क्वालिटी है और मूविंग कैमरा इसके अंदर जो लिखा हुआ आता है। बाकी रियर IRVM की बात करोगे तो ऑटो IRVM जो है आपको साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका सनग्लास होल्डर, साथ में यहाँ मिल जाएंगे आपको 2 हैलोजन बल्ब के अंदर लाइट कैबिन के अंदर फ्रंट के अंदर। यहाँ माइक दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, सनशेड का ऑप्शन दे रखा है बस, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद आपका लाइट के साथ इस तरीके से। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल दे रखे हैं आपके विद, आपको ऊपर मिल जाएगी आपकी सनरूफ, क्योंकि ये W8 ऑप्शनल मॉडल है। आप चाहो तो इसको W6 सनरूफ के अंदर भी परचेज कर सकते हो, अगर आपको सनरूफ वेरियंट चाहिए तो। इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। रियर डोर ओपन करते हैं तो ये कुछ आपको रियर डोर दे रखा है, वही सेम आपका उसी रियर डोर से अगर आप बात करोगे तो ये आपको पूरा सॉफ्ट टच में दे रखा है। ग्रैब हैंडल है पूरा, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको कंसोल दे रखा है। पावर डाउन और अप करने का शिफ्टर है, ये डोर ओपनर है, क्रोम के अंदर लॉक और अनलॉक। यहाँ पे आपको वोटर होल्डर कुछ स्पेसिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये मिल जाएंगे आपको रियर की सीट्स जो कि आपकी 60-40 फोल्डेबल हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बीच में आपका मिल जाएगा आर्म रेस्ट इस तरीके से, 2 कप होल्डर के साथ। ये कुछ बंदे की पोजिशनिंग आती है, 6 फुट का बंदा बैठा हुआ है अभी इसके अंदर, सही है, कंफर्टेबल है, है ना। तो लॉन्ग राइड तो कर ही सकते हैं 4 जने बैठ के इजीली इसके अंदर। रियर के अंदर एसी वेंट वगैरह का तो SH कोई इसके अंदर ऑप्शन जो है नहीं मिलता देखने को। बाकी रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक आपका इस तरीके से देखने में आता है, प्रीमियम लगती है यार कार, कुछ भी कहो, है ना। साथ में यहाँ मिल जाएगा आपको रियर में कैबिन में लाइट, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स दोनों ही तरफ विद आपका हुक इस तरीके से, दोनों ही तरफ आपको देखने को मिलने वाले हैं। आ जा 8। बाकी भाई आप सबको XUV300 का W8 ऑप्शनल मॉडल लेना आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है कि नहीं लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। बाकी आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर महिंद्रा की आपको कोई भी कार परचेज करनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंदर इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो सभी का देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।